नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। फ्लाइट में अचानक महिला यात्री ने उतार दिए थे कपड़े। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फ्लाइट के पायलट ने यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर लगातार दोस्तों अनाउंसमेंट भी किया है। दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में महिला ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और क्रू मेंबर के साथ लड़ने का मामला भी सामने आया है। हालांकि फ्लाइट के स्टाफ की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। विस्तारा की फ्लाइट अबू धाबी से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। इस फ्लाइट में नशे में धुत एक 45 वर्षीय महिला ने जमकर हंगामा किया, क्रू मेंबर के साथ मारपीट भी की है। दरअसल विस्तारा एयरलाइन के UK 256 फ्लाइट में पाओला पेरुसिया नाम की महिला इकोनॉमी क्लास की टिकट लेकर सवार हुई थी। कुछ देर तक अपनी सीट पर बैठने के बाद बिजनेस क्लास की सीट पर जाकर बैठ गई। जब क्रू मेंबर ने उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहा तो वह मारपीट करने लगी। नशे में धुत महिला ने क्रू मेंबर को गालियां दी, एक स्टाफ के मुंह पर मुक्का भी मार दिया और फिर अपने कपड़े उतार कर विमान के कॉरिडोर में दोस्तों भागने लगी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वजह से विमान में मौजूद अन्य यात्री भी काफी परेशान हो गए। उनके लिए इस स्थिति में कुछ भी कर पाना मुश्किल हो गया था। इटली की रहने वाली इस महिला पर काफी कड़ी मशक्कत के बाद में काबू पाया और उसे दोस्तों कपड़े पहनाए गई। इस दौरान फ्लाइट के पायलट ने यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर लगातार अनाउंसमेंट भी किया। इसके बाद मुंबई में फ्लाइट के लैंड होते ही फ्लाइट के स्टाफ ने महिला को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया है। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों, महिला ने सारे कपड़े उतार दिए और दोस्तों क्रू मेंबर के साथ मारपीट भी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत ही बड़ी खबर। वहीं दोस्तों महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर जुर्माना लगा दिया है। प्रशासन की तरफ से उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे भरने के बाद उसे जमानत दे दी जाएगी। अब तक की बड़ी खबर। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।